जा रहा हूँ। लोग अपनी खुशी में दूसरों का मुंह मीठा करते हैं, लेकिन तू मेरी खुशी में रणबीर का मुंह कड़वा कर गया है। It's gonna be fun. Yeah, bro. से तो वेट ही नहीं हो रहा, कहाँ रह गए सुहानी और सुधा? जल्दी से आ जाए सुहानी, फिर हम पार्टी करते हैं। आज मैं मर जाऊं, ये फुग्गे जैसा फूलना बंद कर खुशी में। तेरे बाप आ गए ना तो तेरी हवा निकाल देनी उसने सारी। रिया तू परकटी, इतने बड़े घर की बेटी है, चार पैसे दे के दर्जी से टंग के पूरे कपड़े नहीं सिलवा सकती? ये क्या पीपल के पेड़ के प्रीतनी की तरह तू बनी फिरती है? इसका बाप देखेगा ना तो नहीं देखेंगे। क्यों? मैंने सब पता कर लिया है, अंकल जी 9-10 बजे से पहले नहीं आने वाले। And about my outfit, दादी, I'm a trendsetter. आज मैंने ये ड्रेस पहनी है, कल सारी लड़कियां इसे फॉलो करेंगी। एनीवे, देखिए ना मैं क्या लेकर आई हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये आपके फेवरेट एक्टर ने आपकी फेवरेट मूवी में पहना था, दिलीप कुमार ने। मैं ऑक्शन से लेकर आई हूँ आपके लिए दादी। हाँ ये तो वही है। तुझे पता है मैं ना अपने शादी के पहले सालगिरह में ना सुहानी के दादा के साथ ये फिल्म देखने गई थी। अच्छा? हाँ चंगा लगा था, बहुत मजा आया था उस दिन। पर ना तू ये गिफ्ट शर्ट ना लाया कर। क्यों? चंगा नहीं लगता ना। आ दादी, सुहानी दी आ गई। सुहानी दी, कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। ला 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 ला। सुधा क्या हुआ इसे, ये इतनी अपसेट क्यों है? सुधा क्या हुआ? अरे साफ साफ बोलेगी कुछ। माँ जी वो सुहानी एग्जाम में फेल हो गई। व्हाट? नो वे, सुहानी कैसे फेल हो सकती है? हाँ मम्मी, दीदी तो टॉपर है, वो फेल कैसे हो सकती है? हाँ तो टॉपर है तो क्या हुआ, तो भगवान तो नहीं है ना कि जो उसने लिख दिया वो पत्थर की लकीर बन गया। इसमें बवाल की क्या बात है? वैसे मेरे को तो पहले ही पता था कि इसके बस की बात नहीं है। चल सुधा, तो मेरे लिए चाय बना के ला, और दूध का बिल आया वो भी देख लियो। जी। सर ये बिल। अरे बिल का सेटलमेंट बाद में कर लियो भाई, पहले केक तो खा लो। वैसे ये सब किस खुशी में? मुझे सॉरी बोलने की खुशी, कॉलेज ना छोड़ने की खुशी, या कोई स्पेशल वजह? खैर वजह चाहे कोई भी हो, केक तो तू खा ही सकता है ना, ले ना केक खा ना। ओ भाई, पहले मुझे सॉरी बोलकर मेरे तलवे चाटे, अब क्या मेरे चेहरे पे केक लगाकर मेरे गाल चाटेगा?
रिलैक्स रणवीर, मजाक चल रहा है भाई, इतना क्या सीरियस हो रहा है? और अगर वैसे भी तेरी पार्टी का केक अगर तुझे खिला दिया तो इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? अगर तेरे फ्रस्ट्रेशन का कोई और रीजन है तो बता, शायद मैं तेरी कोई हेल्प कर पाऊं। अगर अपनी हड्डियों का काउंट 206 ही रखना है तो तू दूर रहना मुझसे, वरना तेरी हड्डियों के इतने टुकड़े करूंगा कि तू गिनती भूल जाएगा, लेकिन टूटी हुई हड्डियां खत्म नहीं होंगी। और हड्डियां टूटती है तो पता है ना क्या होता है, इस उम्र में ना फादर के ना मम्मी बन जाएगा। मम्मी नहीं, इजिप्ट वाली मम्मी है, ऐसे समझा। तेरी इन तकलीफों का मैं ऐसे ही तमाशा बनाता रहूंगा, बिकॉज दैट मेक्स मी हैप्पी। मिस्टर रणवीर ओबेरॉय। हाँ माँ। रणवीर, परसों पापा ने पार्टी रखी है और तुझे आना है बेटा, ओके? पार्टी नहीं माँ, प्रमोशनल इवेंट रखा है जहाँ पे वो खुद को बेस्ट फादर होने का दिखावा करेंगे, और मुझे ऐसे किसी इवेंट का हिस्सा नहीं बनना। ठीक है, तो मैं खुद आऊंगी कॉलेज तुम्हें लेने, और कान पकड़ के तुम्हें यहाँ लेकर आऊंगी। और नहीं तो क्या, जब दादाजी और बाकी लोग मुझसे 100 सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, बताओ? हाँ तो बाकी सबसे मैं वीडियो कॉल पे बात कर लूंगा, पर मैं पार्टी में नहीं आऊंगा। रणवीर, तुम्हें मेरी कसम है। यार ये क्या है माँ, हर बार मुझे कसम देके मुझसे कुछ भी करवा लेती हो। हाँ तो आसानी से मान जाए कर ना तू। माँ क्या हो गया, क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही किचन में गई थी, तवा गरम था, हाथ लग गया, बस छोटी सी बात है। रुको मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, हाथ दिखाओ मुझे। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए कोई वीडियो कॉल करता है क्या? नाम के लिए मैं तेरी माँ हूँ और तू हमेशा मेरा पापा बनता रहता है। होने वाला डॉक्टर हूँ, मुझे आपकी चोट देखनी है, जैसे आपको उस दिन मेरा चेहरा देखना था। फोन उठाओ, वीडियो कॉल करो। दिखाओ दिखाओ कहाँ चोट आई। ये देख, कुछ हुआ है क्या? नहीं ना, ऐसे ही टेंशन ले रहा है। ध्यान रखा करो। मैं तो ध्यान रखूंगी अपना, पहले ये बता तू इतना अपसेट क्यों लग रहा है? कुछ नहीं माँ, वो एक जिम्मेदारी ली थी, बस उसी का टेंशन है, पूरा करना है उसे। अगर जिम्मेदारी ली है तो इसमें अपसेट होने की क्या बात है, उससे तो इंस्पायर होना चाहिए, टेंशन थोड़ी लेनी चाहिए। ठीक से पूरी करना अपनी जिम्मेदारी, ठीक है? See you day after in the party. ठीक है माँ, बाय माँ। बहुत हुई शराफत, अब जिम्मेदारी को जिद मान कर ही निभाना पड़ेगा। सुनो, मैं तुम दोनों को 5-5 क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन तुम पूछो, 5 क्वेश्चन तुम पूछो। Nirgene occurs in rhizobium paniculum streptococcus. Rhizobium. Right answer. Which is the outermost layer of elementary canal? Serosa, mucosa, submucosa or nervosa? Serosa. Right. Right. How many time does the heartbeat in lifetime? मुझे इसका जवाब नहीं पता। रिया देखा तुमने? 10 में से 9 जवाब सही दिए मैंने। तो मैं फेल कैसे हो सकती हूँ? I know babe। मैं ओवर कॉन्फिडेंस ही हूँ, लेकिन खुद पे इतना कॉन्फिडेंस तो है ना कि मेरा पेपर फेल होने जैसा तो नहीं गया था। I understand। माता रानी, अब तो मेरी सब विश पूरी करती हो ना, तो इस बार मेरा एक सपना पूरा करने के लिए इतने टेस्ट क्यों? क्या गलती कर दी मैंने?
मुझे ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज से ही MBBS करना है और आप तो जानती हो ना मुझसे पहले ये माँ का सपना है प्लीज ये विश पूरी कर दो प्लीज से नहीं लगा सकता अबे चोरी करने की ट्यूशन सोच ली है मैंने कि कूदी मारे में परफेक्ट रहूंगा रणवीर भाई एक बार फिर से सोच ले यार अगर डीन ने देख लिया ना तो पूरी जिंदगी ना पेशेंट का चेहरा नहीं देख पाएगा तू देख हम कोई रूल बुक फॉलो नहीं कर रहे हैं कि तुम लोगों को हमेशा मेरा साथ देना होगा साथ देना है तो मुंह बंद करके काम करो नहीं देना है सामने वाली खिड़की से बाहर भाई कैसी बातें कर रहा है तू आज अगर पैनिक अटैक भी आ गया ना तब भी तेरा साथ छोड़ के नहीं जाएंगे भाई हम साथ है चल ढूंढते हैं ढूंढो मिल गए भाई इसको स्कॉलरशिप कैसे मिली लड़की का एक भी आंसर सही नहीं है लेकिन जब मैंने सुहानी से क्वेश्चंस पूछे थे तो उसने सारे सही आंसर्स दिए थे तो पेपर में गलत क्यों लिखेगी सारी गड़बड़ रोल नंबर में हुई है 3 को ओवर राइट करके 8 किया गया और 8 को ओवर राइट करके 3 अब सुहानी को इस कॉलेज में आने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता क्या हो रहा है ये तुम्हारी टैलेंट और इंटेलिजेंस इस कॉलेज के रूल्स तोड़ने की सर्टिफिकेट नहीं देती तुम्हें तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में इस तरह घुसाने की जस्ट बिकॉज तुम्हारे साथ थोड़ा फ्रेंडली हूं मैं इसका मतलब ये नहीं तुम इस कॉलेज में कुछ भी करते फिरोगे यू हैव टू बी पनिश्ड फॉर दिस मुझे आपकी पनिशमेंट मंजूर है सर लेकिन पहले ये देखिए सुहानी शर्मा ने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है लेकिन रोल नंबर की गड़बड़ी की वजह से उसे फेल कर दिया गया आप इसके करेक्शन पे साइन कीजिए उसे इस कॉलेज में एडमिशन दीजिए और मुझे मेरी सजा सुना दीजिए तुम्हारे फादर इस कॉलेज के ट्रस्टी है ओनर नहीं यहाँ हर एक चीज प्रोसीजर के हिसाब से चलती है और आगे भी ऐसे ही होगा परफेक्ट है सर एक डिजर्विंग टैलेंटेड स्टूडेंट को रोल नंबर की गड़बड़ी की वजह से फेल कर दिया जाता है और जब बाद में पता चलता है तो उसे रेक्टिफाई करके एडमिशन देने के बजाय आप मुझे प्रोसीजर्स बता रहे कंप्लीट जस्टिस जानबूझ के फेल नहीं किया गया है रोल नंबर गलत था नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आगे भी सब प्रोसीजर के हिसाब से ही होगा नहीं सर ऐसा नहीं होगा आप ये पेपर साइन करेंगे और उसे एडमिशन देंगे एंड दैट्स इट नहीं किया तो आप इस कॉलेज के डीन हैं आपके जो मन में आएगा आप कर सकते हैं करेक्ट ये ट्रॉफीज तो मैंने कमाई है ना सर तो इन्हें तोड़ूंगा अभी मैं रणवीर क्या हो रहा है ये आप साइन करेंगे कि नहीं नहीं करूंगा रणवीर क्या कर रहे हो ये स्टॉप इट रणवीर क्या पागलपन है ये रणवीर मेरी बात सुनो प्लीज स्टॉप इट
Stop it now, Ranveer. Ranveer, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो. Ranveer, please stop. इस कॉलेज का रुतबा सिर्फ इस कॉलेज की मेरिट से नहीं है, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन से भी है. तो आज के बाद ना किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करूंगा और ना किसी को करने दूंगा. सोच लीजिए सर, कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है. रुक जाओ रणवीर, मैं साइन करता हूं. प्लीज रुक जाओ. ये हुई ना मेरे डीन वाली बात. कल सुबह करेक्ट एटलिस्ट नोटिस बोर्ड पर लग जाएगी. जिम्मेदारी फोन क्यों नहीं उठा रही है? हैं? सच में हद हो गई. ये आजकल के बच्चे भी ना माँ बाप का सहारा कम और सरदर्द ज्यादा बन गए हैं. चल मैं फिर बात करूंगी, ठीक है? फोन रखती हूँ. राकेश, तनु पता है वो जो अपनी दो गली छोड़ के गुप्ता जी है ना? वो किराना दुकान वाले गुप्ता जी? हाँ हाँ वही. उनकी लड़की कल रात को अपने आशी के साथ भाग गई. कॉलेज में साथ पढ़ती थी. बताओ वो मरानी कब पढ़ाई की किताबों के साथ साथ प्रेम ग्रंथ भी पढ़ने लगी. हद हो गई, अपने माँ बाप का मुंह काला कर गई. वो चंगा होया जो हमारी सुहानी फेल हो गई. सुहानी फेल हो गई? हाँ. अच्छा अच्छा, ओ बहुत अच्छा. बाल बाल बचाया है माता रानी ने हमें. अब तो निश्चिंत होके ना अपना काम कर और सुहानी को भी बोल दे कि अब घर के काम काज देखे. हेलो. नमस्ते अंकल, रणवीर बोल रहा हूँ. हाँ बेटा बोलिए. सुहानी एग्जाम में पास ही नहीं हुई, उसने टॉप किया है अंकल. मेरी डीन से बात हो गई है, कल एडमिशन मिल जाएगा उसे. रणवीर बेटा आप, इट्स ओके. अगर सुहानी फेल हो गई है तो फिर आप क्यों इतना? नहीं नहीं अंकल, सुहानी फेल नहीं हुई है. वो रोल नंबर का कुछ कंफ्यूजन हो गया था इसलिए रिजल्ट गलत आया था. आपकी बेटी इतनी टैलेंटेड है कि उसे कॉलेज की नहीं, कॉलेज को उसकी जरूरत है. वैसे वो कल से कॉलेज आ सकती है, पर उससे कहिएगा कि सबसे पहले डीन से मिल ले. वो कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी है. देखता हूँ मैं, बात करता हूँ. पापा खाना लग गया है. एक मिनट बेटा, माँ ने तुम्हारे रिजल्ट के बारे में बताया, अच्छा नहीं लगा बेटा. ओ तू चिंता ना कर, मैंने एक दो गर्ल्स कॉलेज से बात कर ली है, स्कॉलरशिप मिली है, खाली नहीं बैठने दूंगा. किसी अच्छे गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा मैं, टेंशन मत ले बेटा. ये ले, एक काम कर, कल सुबह ना जल्दी तैयार हो जाना, कल ही चल के कॉलेज में बात कर लेंगे.
राघव जॉन, जैसे ही वो कॉलेज पहुंचा ना, तुम लोग भाग के गेट की तरफ जाना और ऐसे रेड कार्पेट बिछा दो। भाई तू सुबह से 25 बार बता चुका है, अरे हमें पता है क्या करना है, काम हो जाएगा। भाई भाई तू टेंशन ना ले, तेरे दोस्त है ना, हर कजिन की शादी में, चर्च के हर गैदरिंग्स में, मेहमानों की वेलकम सेरेमनी का डिपार्टमेंट ना तेरे भाई ने संभाला है। ये काम भी परफेक्शन से होना चाहिए, ठीक है? ओके। यार बहुत देर हो गई, मिस जिम्मेदारी अब तक कॉलेज क्यों नहीं पहुंची? पापा। हाँ बेटा। प्रशांत। जी। बेटा मैं जानता हूं कि तुम उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, पर अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या करें। ऐसे ये भी कॉलेज अच्छा है बेटा। और एक बात हमेशा याद रखना, डिग्री से ज्यादा इंसान का टैलेंट मायने रखता है। ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं। मैं देखता हूं, नाश्ता लगाओ तुम। अपना दिल छोटा मत करना, हूं सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते अंकल। सुहानी कॉलेज